और आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वी लॉग। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी मजीद अब्बासी के हवाले से। मजीद अब्बासी वैसे तो सिंधी ज़ुबान में रोज़नामा इबरत के लिए तवील अरसे से रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। सहाफ़त में उनका एक मकाम है। उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी सलाहियत और अपने तजर्बे से ये मकाम हासिल किया है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मजबूत और ताकतवर हुक्मरानों के नज़दीक भी रहे हैं। उनके एक्शंस पे, उनके इकदामात पे, उनके नशेब व फराज पर इनकी गहरी नज़र रही है। 70 से ये प्रैक्टिकल जर्नलिज्म करते आ रहे हैं और इनको इबरत ग्रुप से ही साबित करने का मौका मिल गया। पहले ये हैदराबाद में इबरत ग्रुप की नुमाइंदगी करते रहे, फिर इन्हें कराची में ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गईं। तो 70 से ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वज़ीर आज़म थे, तब से ये पाकिस्तान के जो मरकज़ी हुकूमत के चलाने वाले हैं, करता धरता हैं, उन तमाम लोगों और शख्सियात के बिल्कुल ये करीब रहे हैं, उनके मामलात को देखते आ रहे हैं और इनका सहाफ़त में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा नाम है, खिदमात हैं। कराची प्रेस क्लब में या कराची की पॉलिटिकल जर्नलिज़म में उस वक्त चंद नाम होते थे, जिनमें एक नाम मजीद अब्बासी का है। अल्लाह उन्हें सेहत सलामती दे और लंबी उम्र दे। वो एक पुरखलूस, एक मिलनसार, एक खुशगुफ्तार और एक खुश मिजाज इंसान हैं। और जिस तरह वो अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करते हैं, अपने सीनियर और अपने जो उनके हम असर थे उनके साथ खलूस प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मोहब्बत और खलूस वो अपने जूनियर्स के साथ और जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उनके साथ दिखाते हैं। और वो बड़े खुले दिल के मालिक हैं और मोहब्बतें निशावर करते हैं। उनमें ये चीज़ें जो हैं वो समझ लें कि उन्होंने इनहेरिट की हैं फैमिली बैकग्राउंड से और अपने वालदेन की तरबियत से और अपने असातिज़ा और अपने सीनियर्स की तालीम और तरबियत से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उन्हें जाने का मौका भी मिला और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान थे, जिनमें मैंने आपको बताया कि ज़ियाए भुट्टो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उन्होंने बहुत कुर्बत का वक्त गुजारा और उन्होंने उन्हें सरकारी मुलाजमत में भी पेशकश की। उस दौर में सहाफ़ियों को या करीबी लोगों को अक्सर कोशिश की जाती थी कि इनको फ़वाद पहुँचाए जाएँ, लेकिन मजीद अब्बासी ने उसमें कभी इस तरह के फ़वाद से ख़ुद को नथी नहीं किया और वो अपनी जर्नलिज़म करते रहे और ताल्लुकात बहुत अच्छे रखे उन्होंने सियासतदानों के साथ, चाहे वो अपोजिशन के थे या हुकूमत के थे, हुकूमत के लोगों के साथ वो ज़्यादा सरगर्म नज़र भी आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और इजलासों में और जलसों की कवरेज में और तहरीकों की कवरेज में। और वो खुलकर बोलते भी थे और लिखते भी थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बड़े मज़ेदार और बड़े चुपते हुए और बड़े हकीकत पसंदाना सवालात भी करते थे और मौके पर पहुंचते थे और मौके पर पहुंचकर रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टरों में उनका शुमार होता है। तो इसलिए उनका तजर्बा और उनका जो अंदाज़ है रिपोर्टिंग का वो बेमिसाल है। और आजकल वो बड़ा अब तो रेयर हो गया है, अब तो लोग जो है वो बड़ा टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, व्हाट्सअप आ गया है, ईमेल आ गई है, खबर चल के आ जाती है। आप किसी इवेंट पे जाएं, आप किसी जलसे से आएं, आप किसी मौके से होकर आप जब तक दफ्तर पहुंचते हैं तो खबर जो है वो प्रेस रिलीज़ की सूरत में आपसे पहले वहाँ पहुंची होती है न्यूज़ डेस्क पे, और न्यूज़ एडिटर के पास जो है वो टीवी से भी खबर आ चुकी होती है, लोग टीवी चैनल्स की हेडलाइन से और वहाँ के जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है उसी से खबर बना के बैठे होते हैं। न्यूज़ एजेंसियाँ आ गई हैं बहुत सारी, वो खबरें पहुँचा देती हैं। तो 70s में 80s में जो सेंसरशिप थी या दौर थे, सरकारी टीवी होता था, सरकारी रेडियो होता था, सरकारी न्यूज़ एजेंसी होती थी, प्राइवेट टीवी चैनल्स नहीं थे और इस तरह सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था या हर आदमी अपनी खबर आगे नहीं पहुंचा सकता था, तो अखबार नवीस का बहुत बड़ा रोल होता था, बड़ी जिम्मेदारी होती थी और मजीद अब्बासी जैसे लोग उसमें बहुत अहमियत के हामिल थे, आज भी हैं और उन्होंने अपनी अहमियत को बरकरार भी रखा हुआ है क्योंकि वो ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग करते हैं, सनसनी हेजी नहीं फैलाते और झूठ और अफरा तफरी की खबरें फैलाने से गुरेज करते हैं, ज़िम्मेदारी के साथ संजीदा रिपोर्टिंग करते हैं। इबरत ग्रुप का वैसे भी एक मकाम है संजीदा सहाफ़त में, ज़िम्मेदाराना सहाफ़त में उनका कोई सानी नहीं है और पाकिस्तान में बिलखसूस सिंध में उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा अदारा है और उनकी इंतज़ामिया और उनकी एडिटोरियल पॉलिसी बहुत शानदार और कामयाब है, इसलिए लोग उन पर एतमाद करते हैं। तो मजीद अब्बासी भी उस एतबार को कायम रखे हुए हैं, उस एतबार को कायम करने में, उसका इस्तेहकाम दिलाने में,
और उसको आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। यकीनी तौर पर मजीद अब्बासी जैसे सहाफ़ी पाकिस्तान की सहाफ़त के हवाले से एक रोशन बाब की हैसियत रखते हैं, पाकिस्तानी सहाफ़त के हीरो हैं। उन्होंने जैड भुट्टो से लेके फिर ज़िया उल हक़ के दौर में और फिर जनरल मुशर्रफ़ के दौर में, इस दौरान जो सियासी हुकूमतें आईं बिलखसूस बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत के मुख्तलिफ अदवार और फिर आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत, और इस दौरान जो पाकिस्तान की बड़े सियासी जमातें थीं उनमें पीर साहब पगारों के बहुत करीब रहते थे और उनकी हर महफिल में और उनकी हर सियासी नशिस्त में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जलसे जुलूसों में इलेक्शन में वो उनसे बहुत कुर्बत का मुजाहरा होता था और वो उनसे सवाल पूछ लिया करते थे जो दूसरे डरते थे पूछते हुए, और वो उनका जवाब भी देते थे। तो ये मजीद अब्बासी का सियासतदानों के साथ एक ताल्लुक़ है, रिश्ता है एतमाद का और एक अपनाइत का और एक फ्रेंकनेस है, जिसकी वजह से वो ख़बर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और वो ख़बर मजीद अब्बासी के पास होती है जो किसी और के पास नहीं होती। हालांकि बाकी सहाफ़ी भी वहीं पे होते हैं, उसी महफिल में होते हैं, लेकिन मजीद अब्बासी वहाँ से जो ख़बर रिपोर्ट करते हैं वो बाकियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो ये उनका सलाहियत है, उनका कमाल है। और उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के साथ हमने देखा कि जेल में जब वो होते थे वहाँ अदालतों में मुकदमा चलते थे और वो वहाँ पर जो गुफ्तगू होती थी उसमें भी आसिफ जरदारी साहब उनके साथ बड़े फ्रेंक रहते थे और उनके सवाल पे बड़े मुस्करा के जवाब दिया करते थे और वो पूछते भी ऐसी बातें थी। तो मजीद अब्बासी वहाँ पर भी बहुत एक्टिव थे और उन्होंने हर तरह के हालात में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, बड़ा अच्छा उन्होंने नाम कमाया है और वो हमारे जूनियर्स के लिए और हमारे आने वाले सहाफ़ियों के लिए एक अच्छी मिसाल उन्होंने कायम कर दी है। ऐसे लोगों की हमें कदर करनी चाहिए, ऐसे लोगों को हमें जो है वो उनका वो मकाम देना चाहिए जो सीनियर्स का और उनके इतने 30 साल 50 साल सहाफ़त जिस शख्स ने की हो उसका किरदार बनता है।